मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से पूर्व अपने रायपुर स्थित निवास में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने अपने परिजनों के साथ पूजा में हिस्सा लिया। उनके साथ पूजा में उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के लोगों के सुख समृद्धि की कामना की। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनकी पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं। इस भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है और यहाँ पर इस अवसर में शामिल होने के लिए हमारी माताजी, हमारी धर्मपत्नी, हमारे भाई, पूरे परिवार के लोग आए हैं और एक पूजा का आयोजन यहाँ पर हुआ था। अब पूजा करके अब जा रहे हैं। देखिए, दिलीप सिंह दुदेव जी हमारे आदर्श हैं राजनीति में, वही हमको राजनीति में लाए और विधायक सांसद या जो भी आज जिस मुकाम पर हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनका योगदान है जी। बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है, शब्द नहीं है कहने के लिए। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार दुलार इतना ज्यादा है कि उसी की बदौलत आप सब किसने के कारण यहाँ तक हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सबका इसने इतना ज्यादा मिला। भाग्य की बात भी है और कर्म, और जिस तरीके से उन्होंने अच्छा कर्म किया उसकी ये प्रतिपल है कि समस्त जनता उनका साथ दी है। तो छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को मैं पुनः धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी कि उनकी बदौलत आज सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, हम अपने आदिवासी समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जिस तरीके से आज तक हीन भावना की दृष्टि से हमेशा देखा जाता रहा है, तो उनका भी उत्थान हो जाए इस बहाने। अगर हमारी पार्टी एक आदिवासी समाज के छोटे से गांव का एक साधारण कार्यकर्ता को इतना मौका दे सकता है, तो मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बैठे हैं उस सीट पर हाथ रख के बड़े बड़े नेता, उन सभी को, मोदी जी को, शाह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस लायक उन्होंने समझा, हर समाज को ध्यान में रखते हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या कोई भी अन्य समाज हो। बिल्कुल, हम जा रही है, हम उनके साथ रहेंगे, वहां पर देखेंगे आंखों से, क्योंकि हमेशा तो हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों का शपथ टीवी के माध्यम से देखते थे और यह सौभाग्य है कि आज हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे।